बिहार के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, अगर वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह काम हुआ, तो बड़ी साफ बात है, ताली अगर कप्तान को मिलेगी तो गाली भी कप्तान को मिलेगी। अगर अच्छे कामों का श्रेय मुख्यमंत्री लेना चाहते हैं तो जो काम नहीं हुआ उसका भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप है। लेकिन सरकार केवल लिपापोती करना चाहती है, सरकार प्रश्नों का स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहती है, सरकार कोई काम नहीं करना चाहती है। और आपने आज देखा मंत्री गायब है, आज केवल एक मंत्री ने पांच पांच छह छह विभागों के जवाब दिए। जो बिहार के गौशालाएं जिनके अध्यक्ष वहां के स्थानीय अनुमंडल अधिकारी होते हैं, उनके ससमय चुनाव कराने के संबंध में आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मेरा था, उस प्रस्ताव पर आरजेडी के माननीय मंत्री ने जो जवाब दिया है वो जवाब इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि आरजेडी के मंत्री जनता दल के मुख्यमंत्री को लगातार कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह है कि 15 साल में आपके विभाग के मंत्री थे, तब चुनाव क्यों नहीं कराए। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि बिहार के अंदर सड़कों के निर्माण का काम भारतीय जनता पार्टी के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव, प्रेम कुमार, नितिन नवीन जैसे लोगों ने किया, इसका श्रेय मुख्यमंत्री क्यों ले रहे हैं। अगर सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में अस्पतालों के निर्माण का काम चंद्रमोहन राय, अश्विनी चौबे और मंगल पांडे जी ने कराया, उसका श्रेय मुख्यमंत्री जी क्यों ले रहे हैं। अगर श्रम विभाग के सारे विकास के काम भाजपा के मंत्रियों ने कराया, उसका श्रेय क्यों ले रहे हैं। कुल मिलाकर मंत्री ये चाहते हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको कैसे गठघरे में खड़ा करें, ये लगातार आरजेडी के मंत्रियों की कोशिश है। और आज अपने जवाब में जब उन्होंने 15 साल का जिक्र किया तो ये बात सिद्ध हो गया कि वो बिहार के मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह काम हुआ, तो बड़ी साफ बात है, ताली अगर कप्तान को मिलेगी तो गाली भी कप्तान को मिलेगी। अगर अच्छे कामों का श्रेय मुख्यमंत्री लेना चाहते हैं तो जो काम नहीं हुआ उसका भी श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी का आरोप। लेकिन सरकार केवल लिपापोती करना चाहती है, सरकार प्रश्नों का स्पष्ट जवाब नहीं देना चाहती है, सरकार कोई काम नहीं करना चाहती है। और आपने आज देखा मंत्री गायब है, आज केवल एक मंत्री ने पांच पांच छह छह विभागों के जवाब दिए हैं। मंत्री विधानसभा से गायब है, उनकी कोई रुचि जनहित के कामों की नहीं है। और ये सरकार केवल समय काटने का काम कर रही है, जनहित के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं।